जय सतनाम संगवारी हो। आज हमन आप मन ला एक बहुत प्रसिद्ध जगह में लेके आए हमन, जेकर नाम हवे डुमहापुरी धाम, जे है सहोद्रा माता के गांव हवे। और जी हाँ, आज भी बाबा गुरु घासीदास जी के द्वारा धारण करे ओरिजिनल कंठी और खड़ाऊ के दर्शन करे बर मिलते, जे है साल में एक बार होली के दिन और ओकर दूसरा दिन देखे बर मिलते। और आज दूसरा दिन हवे, होली के दिन तो हम नहीं आ पाए संगवारी हो, लेकिन आज दूसरा दिन आप मन ला दिखाए बर यहाँ आए हवन। और आप मन देख सकत हो कैसे दिन गाड़ी में भरा के आवत है देखैया मन है। और ये साल रौनक है कुछ ज़्यादा ही लगत है, पिछले बार हम आए रहें तो इतका भीड़ नहीं रही, लेकिन आज लगत है बहुत ज़्यादा ही भीड़ होगी। काबर की इधर ही विशेष अतिथि मन के भी आगमन होने वाला हवे। पंपलेट आप मन तक अगर पहुँचे रही सोई तो देखे हो। अब ये आप देख सकत हो सामने में भंडारा के गेट हवा संगवारी हो। पिछले बार आ रहे हैं तो हमन हाँ आप मतलब ओती ल दिखा चालू करें मंदिर तरफ से, लेकिन ये दरी भंडारा तरफ ला दिखाथन। काबर के भोजन बिना कोनो काम सफल नहीं हो, पहली भोजन करना जरूरी है। तो भंडारा सतनाम प्रसादी के व्यवस्था करे गए है गुरु परिवार मन के द्वारा। अब ये आदरणीय द्वारका बर्मन जी इधर ही उपलब्ध हवा यहाँ। ऐसे तो बहुत से कलाकार आए हवा, लेकिन विशेष ये साल द्वारका बर्मन जी और पद्मश्री उषा बारले के यहाँ आगमन हुए हवा। अब ये पार्किंग के व्यवस्था है, आप देख सकत हो बहुत से गाड़ी मन लग पार्किंग में लगाए हवा और पर्याप्त जगह हवा पार्किंग के, कोनो प्रकार के तकलीफ यहाँ नहीं हुआ। अब ये भोजनालय हवा आप देख सकत हो, पहली भोजन कर लेते हैं संगवारी हो। काबर की भोजन बहुत जरूरी हवा, तो काबर की खाए रही पे तब बने बने उस अर्थे कहीं भी काम है। तब पहली भोजनालय में पहुँचे हवन और आप देख सकत हो कतका बढ़िया बैठार के यहाँ भोजन परोसत हवा। अब ये संगवारी मन है भोजन प्राप्त करे थे ओमा से हवा अजय भारद्वाज, जेला आप हमार कई ठो वीडियो में देखे हो जे मन है टैटू बनाए के काम करते। और बहुत बढ़िया भोजन के व्यवस्था हवा बैठाए के और कोनो प्रकार के तकलीफ यहाँ नहीं होए। पिछले साल भी हम आए रहे बहुत बढ़िया व्यवस्था करे दीवान परिवार मन है। अब ये साल भी बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ है भोजन के, बहुत शांतिपूर्वक भोजन मिला थे यहाँ। अब आओ आप मन ये तरफ भी दिखा देथन कैसे भोजन बना था हुआ है। अब ये दीदी मन है बंधील पौला थे आप देख सकत हो, बंधी आलू और छोले भी बने हवा है। वेती बर चावल बड़े बड़े कढ़ाई में बना थे और कुछ बन चुके हवा। इसे सुबह से लेके शाम तक यहाँ भोजन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में चला थे। और रात के समय बर बंधी आलू बनने वाला हवा है। अब ये हवा हमार कैमरा मैन भाई है। ओ आवा अब आप मला लेके चलबो मेला के तरफ। इस साल मेला में भी बहुत बढ़िया व्यवस्था करे हवा। अब भीड़ है तो इस साल बहुत ज्यादा है संगवारी, काबर की ये साल पहली बार पद्मश्री उषा बारले जी के आगमन हुए है। पद्मश्री मिले के बाद और साथ में अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष केपी खांडे जी भी पहुंचे हैं इधर ही। और दीवान परिवार के वरिष्ठ सदस्य प्राणदास दीवान और उनके साथ में कुटेला धाम के भागवत दीवान जी भी पहुंचे हवे। अब ये कुछ दुकान भी लगे हवा, काबर की मेला में दुकान तो लगना जरूरी है संगवारी हो। काबर कुछ संगवारी मन आते तो कुछ कुछ खरीदारी भी करना जरूरी रही थे। अभी मन छे थोड़ा खाली खाली लगा थे, काबर की अभी सब अपन अपन घर में मेला ले देखे बर निकले के तैयारी में हवा।
ये अनुसूचित जाति के अध्यक्ष केपी खांडे जी मंच में विराजमान हो चुके हैं, साथ में बहुत से अतिथि मन हवे। अब ये हमारे उद्घोषक भाई हवे दिनेश शेलक जी, जे मन हा अपन विशेष सहयोग देते डुमहा धाम मेला में 2 साल से हमन देखा था। और हमर पिछला वीडियो संगवारी हो पिछले साल आए रही, जे मन ला आप मन हा बहुत प्यार दे, यही वीडियो के माध्यम से हमर चैनल अच्छा ग्रोथ करे रही से, जेकर फलस्वरूप आज हमन ये मुकाम में पहुँचे हैं। आज हमर मन के लगभग 11-12 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हवे। अब इति बार हवे माता के घर जिहाँ बाबा जी के धारण करे ओरिजिनल खड़ाऊ और कंठी के दर्शन होते, और दीवान परिवार मन होला बहुत ही ज़्यादा सहेज के रखे हवे, काबर की बहुत साल हो गए बाबा जी के जो समय रही सो लगभग 250-250 साल हो गए है। 250-250 साल पुराना कोई चीज़ ला संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होते संगवारी हो। अब ये गेट हवे, यहाँ से उकर मन के घर जाए के रास्ता हवे, और भीड़ तो इतना ज़्यादा है कि वो अंदर में जाए पर अभी थोड़ा से मुश्किल जाए, लेकिन आप मतलब घर के दरवाजे तक कम से कम ले जा के दिखाबो, कर बाद आगे अंदर ले भी दिखाबो, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करे लगी खबर कि भीड़ बहुत ज़्यादा हवे। और संगवारी हो पिछला साल जब हम वीडियो बनाए बर आए रहें तब वीडियो ला मोबाइल से शूट कर रहे हैं, हमार मन पास कैमरा नहीं थी। ये साल ये घर अब बना थे पिछले साल मिट्टी के रही से, साल अभी पक्का बनाए के तैयारी हवे, अभी काम जारी है। एमा आप देख सकते हो सेटरिंग वगैरह अभी भी लगे हवे, ओकर बीच से आना जाना हुआ थे। अब आप मन के आशीर्वाद से साल कैमरा में शूटिंग करा था, कैमरा खरीद डरे हमन। हे माता जी और बाबा गुरु घासीदास जी के हमन आशीर्वाद मिलिस कि हमन कोई स्थान में पहुँचे हवन। ये आप देख सकत हो कितना ज़्यादा भीड़ हवा है, वो बल्ली मन फंसे है तेकर वजह से रास्ता है इसने जाम हो जावा थे। अब अंदर ला सफ़ेद कपड़ा से पूरा सजाएगी हवा, अब आरती के तैयारी हवा आप मन देख सकत हो, गुरु परिवार निकलने वाला है झंडा चढ़ाए पर। अब ये मन हवा है गुरु मिथिलेश दीवान जी, जेकर मन के विशेष सहयोग हमन ला मिलते कर मार्गदर्शन में हमन ला यहाँ आए के सुंदर अवसर प्राप्त हुए हवे, काबर की पिछले साल के जो हमारे वीडियो रिसे है गुरु जी मन ला बहुत पसंद आई सब, फिर उकर मन से हमारे संपर्क हुई सब बीच बीच में, अब उनकर मन से हमारे संपर्क बने रही थे। ये पूरा तैयारी हो चुके हैं लगभग, यहाँ से आरती करे के बाद फिर झंडा ला लेके आगे सभा स्थल में जाही। अब ये हवा दीवान परिवार के जम्मो सदस्य मन, ये मन हम मंच के तरफ आगे जात हवा, वो अमित कमल कोसले जी भी हवा है छत्तीसगढ़ के बहुत फेमस कलाकार हवा। वो आप मन देख सकत हो स्वयं द्वारका बर्मन जी बर्मन के स्वागत में गीत गाते हुए दीवान परिवार ले गए थे। छत्तीसगढ़ के इतना महान कलाकार ऐसन प्रस्तुति देते तो इसने मन आनंदित हो जाते। साथ में छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध उद्घोषक सुखचंद भास्कर जी, ये हवा है सामने गुरु परिवार के गुरु अमित दीवान जी।
और ये कुछ समय में मंचा सीन हो जाए गुरु परिवार मन, ओकर बाद फिर आगे के कार्यक्रम हो ही। और रात्रि में मनोज आड़िल के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हवे, साथ में अमित कमल कोसले हवे, द्वारका बर्मन जी भी हवे, और आकर्षक प्रस्तुति रही पद्मश्री दीदी उषा बार्ले जी के, जे हा पद्मश्री के बाद पहली बार डूंगापुरी धाम में आए हवे। और पिछला इंटरव्यू देखे रहन त दीदी बोले रहिस कि एक अवार्ड बचे हवा जेकर मुलासा है मिल ही ऐसे करके, और जस्ट ओकर एक साल बाद दीदी लो वो अवार्ड मिल भी गए हवा। बहुत मेहनत करे हवा उषा दीदी है अपन जीवन काल में बाबा जी के सेवा में, ओकर परिणाम स्वरूप ओमन ला ये साल पद्मश्री के पुरस्कार से नवाजे गए हवा। ये बहुत गौरव के बात है हमारे सतनामी समाज के लिए। अब छत्तीसगढ़ बने के बाद मोर जानकारी में दूसरा अवार्ड हवे जे है सतनामी समाज ला मिले हवे पद्मश्री। एकर पिछले साल आरएस बार्ले जी मिले रिसे पंथी के क्षेत्र में, और ये साल उषा बार्ले जी मिले हवे। अब दीवान परिवार के जम्मो गौरव हवे जे मन हा आज भी माता जी के बाबा गुरु घासीदास जी के जो रास्ता है वो में चल के अपन समाज ला एक रास्ता दिखावत हवे। आउकर जो द्वारा जो धारण करे हुए कुछ सामग्री हवे जे मन ला आज दर्शन के लिए सहेज के रखे में बहुत अमूल्य अपन योगदान दे हवे। एकर पहली डुमहम धाम में ऐसा मेला के आयोजन नहीं हुआ त्रि से ऐसे छोटे स्तर में अपन घर घर के मिल के पूजा पाठ कर रहे, आओ अपने तक ये सीमित रिस मेला है, लेकिन धीरे धीरे अभी ये 3-4 साल से एक विशेष स्वरूप पकड़ा थे, और ये साल तो बहुत ज़्यादा आगे आए हवे और निरंतर इसने प्रगति करत रही। अब आप देख सका था पद्मश्री उषा बार्ले जी मंच में आसीन हो गए हवे। और वरिष्ठ सदस्य दीवान परिवार के प्राणदास जी दीवान जेकर हाथ से बाबा जी के सुंदर आरती, पद्मश्री उषा बार्ले और द्वारका बर्मन जी के संयुक्त स्वर में आरती भजन। गुरु जी को पहुंचे वंदना, कोटि कोटि प्रणाम, कृत भिरंग जीवधारी हो, गुरु कहियो आप समान, गुरु कहियो आप समान, होता है साय काल जय जय, सतनाम के भजन करे से संतों निर्भय, सतनाम के भजन करे से हो।
भजन के दो महान कलाकार एक साथ छत्तीसगढ़ के महान गायक और गायिका हवाई मनहा जिकर मन के ख्याति छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश और विदेश में फैले हवा। अब ये वंश वृक्ष हवा डुमहापुरी धाम के आप मन इला नज़दीक से देख सका था, वैसे तो कैमरा में पूरा बराबर नहीं दिखा है, लेकिन मैं कुछ विशेष जो सदस्य है मतलब आप मन देख सका था। अभी कुछ भीड़ कम हो गई है तो अंदर के जो कंठी और खड़ा हुए वो आवला आप मल्ला नज़दीक से दिखा देते। ऐसे तो हमारे पिछला वीडियो में आप मैंने मल्ला नज़दीक से देखे हवा वो बात भी करे रहे गुरु परिवार के सदस्य मन से। अभी आप देख सका था बाबा जी के धारण करे हुए कंठी हवा है, खड़ाऊ हवा है, एक तो हद कुछ खंडित हो गए हवा और गुरु पुत्र पीला दास माता के जो पुत्र हवा पीलादास देवान जी ओकर करताल हवा है, ओकर पगड़ी के जो धोती है वो हवा है, साथ में तलवार है जे मल्ला झांपी में धरे जाते हैं, जेला झांपी दर्शन मेला के नाम से जाने जाते वो झांपी भी हवा है आप देख सकते हो, और जेला अपन हाथ से माता जी कलश जला रही से वो कलश हवा है ये आप देख सकते हो, वो झांपी जेमा ये सबो सामान ला केल के फिर ओमा रखे जाते साल भर के लिए, ये कलश हवा जेला माता जी अपन हाथ से जला रही से वो समय संगवारी हो माता जी के समय में कोई कांसा पीतल के जमाना नहीं रही से तब वो टाइम कल मिट्टी के कलशम जला रही से वो है आज भी ये मन संभाल के रखे हवा बोला। अब विशेष पूजा अर्चना करते ये समय में ये है दो दिन रही थे जैसे कि आप मतलब पहली बताए हमन होली के दिन और होली के एक दिन बाद, और ये सुने पर मिली कि होली के दिन माता जी के जन्म हो रही से अब विशेष तारीख के पता नहीं रही सोई तेकर से थी, अब एक होली के दिन लव मान चल करके ओकर मेला के आयोजन यहाँ होली के दिन से होते, और एकर अलावा कोई भी दिन अगर आप फोटो जो हवा वो दर्शन करे बर मिले, लेकिन साक्षात ये सब दर्शन आप मतलब होली के दिन और होली के एक दिन बाद ही मिल सकते परिवार के सदस्य बतावत है लोटा है और संदूक लोटा में अमृत जल बना कृष माता जी सहोत्रा माता जी के छोटे बेटा पीला देवान बाबा जी के कंठी माला है पगड़ी है करताल है और दोनों पेट के पीला देवान बाबा जी संगवारी हो हमार मन के कोशिश रही थे कि हमन आप मल्ला बाबा जी से संबंधित जो अच्छा से अच्छा बात और अच्छा से अच्छा जगह हवे वो मल्ला दिखा सकन, और हमार मन के प्रयास तब सफल हुए जब आप मन हमार वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हो, और वीडियो है जत के ज़्यादा एक दूसरे तक पहुँची तो हमार मन के प्रयास सफल हुई। जय जोहार जय सतनाम जय सतनाम।